दिखा, पतंग दिखा, पतंग दिखा। वाव, बहुत अच्छा लग रहा है यार आपका काइट। अच्छा बोलो, हाय हाय गाइस, हाय गाइस। देखिए आज बनाने जा रहे हैं रोशन की क्लास के सर टहरी, और देखिए कैसे ही बनाते हैं, इनका कुछ अलग अंदाज होगा टहरी बनाने का। आप लोगों को कुछ कहना चाहेंगे आज के दिन, मकर संक्रांति का बधाई देना चाहेंगे? मकर संक्रांति का दिन है, खिचड़ी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अजंजली ब्लॉग। तो सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। और आप लोग मकर संक्रांति का त्यौहार कब मनाए हैं, 14 तारीख को या 15 तारीख को? तो आज 15 है तो हम लोग आज मना रहे हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोग कब मना रहे हैं। और मैं किट्टू भी विश करना चाह रही हैं, अभी सोई हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मकर शांति। मकर शांति। तो बस सुबह हो गई है और बस सब लोग बारी बारी से नहा रहे हैं, और मैं मायके में हूँ। मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग न्यू हैं ब्लॉग में तो इसलिए, नहीं तो पुराने वाले सब जानते ही हैं सब मेरी फैमिली। तो बस बारी बारी सब लोग नहा रहे हैं, मम्मी नहा के पूजा कर रही हैं। अब मैं जा रही हूँ नहाने, पानी रख दिया गर्म होने के लिए, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा है और धूप यहाँ पे 3-4 दिन से नहीं निकली हुई है, तो उसके लिए पानी थोड़ा सा गर्म करना पड़ेगा, नहीं तो नॉर्मल पानी से ही मैं नहा लेती थी। और आप लोग का मकर संक्रांति कैसा गया बताइएगा जरूर, क्योंकि ये ब्लॉग मकर संक्रांति के बाद ही जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोग की मकर संक्रांति कैसे गई, और अब मैं नहा के आपसे मिलती हूँ, ठीक है? यहाँ पे देखिए मैं चावल को निकाल रही हूँ नहाने के बाद। 5 बार चावल में उड़द की दाल मिला दी जाती है, एक खिचड़ी होता है, एक जो है कि सूखा खिचड़ी, तो इसको दान में दिया जाता है, ब्राह्मण को या फिर गरीबों को दान में दे दिया जाता है। तो बस वही मैं निकाल रही हूँ 5 बार। उसके बाद मैं यहाँ पे पूजा करने जाऊँगी, पूजा करने के बाद आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए ये मंदिर है, ये मंदिर बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है, ये मंदिर मेरे भैया लाए थे बनारस से और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस आप लोग देखिए कैसा लग रहा है बताइएगा कमेंट करके। और उसके बाद मैं पूजा यहाँ पर करती हूँ, म्यूज़िक लगा दे रही हूँ, आप लोग देखते रहिए। रेडी, मैंने पूजा भी कर लिया है, और जो चावल निकलता है खिचड़ी वाला चावल जो निकलता है उसको दान में दिया जाता है। आप लोग करते हैं कि नहीं ऐसा बताइएगा। तो हम लोग 5 बार उसको निकालते हैं, जितने भी फैमिली के मेंबर होते हैं सब निकालते हैं बारी बारी से, और वो फिर लास्ट में मतलब कल या परसों में पंडित जी को दान दे दिया जाएगा, फिर आज ही दे दिया जाएगा अगर पंडित जी आ गए तो। और मैं रेडी हो चुकी हूँ, मैंने इस तरीके का सिल्क का अपना सूट है वो पहन लिया है, ये मैंने मीशो से मंगवाया था। अगर आपको चाहिए तो मैं कोड दे दूँगी, आप लोग बाय कर लीजिएगा, और बहुत अच्छा लगता है। बस इसका दुपट्टा थोड़ा कैरी करने में दिक्कत होती है, बट इसका दुपट्टा ही इसका प्लस पॉइंट है इस सूट का। और अभी मैंने कंघी नहीं किया हुआ है, बस नहा के जल्दी से हल्का फुल्का सा मेकअप किया है, बहुत ज़्यादा नहीं किया है अभी। और अब चलते हैं और देखते हैं कि फैमिली के और मेंबर कहना चाहेंगी आज के दिन, मकर संक्रांति का बधाई देना चाहेंगी? मकर संक्रांति का दिन है, चूड़ा दूध खाएला, खिचड़ी। तो आप लोग सुबह सुबह क्या खाते हैं? हम लोग तो पहले चूड़ा दूध से शुरुआत करते हैं, बहुत लोग दही भी खाते हैं, बट हम लोग चूड़ा दूध खाते हैं, उसके बाद बनेगी हमारी खिचड़ी दोपहर में। तो भाई लोग होते ही है काम करने के लिए, मायके में लड़कियाँ आती हैं आराम करने के लिए। अगर तुम क्या कहना चाहोगी बोलो जल्दी, अरे कह दो कुछ। लड्डू उठ गई, और यहाँ पे देखिए दूध चूड़ा रेडी हो गया हमारा, हम लोग चल रहे हैं खाने। मैं साल भर में बस एक ही बार दूध चूड़ा खाती हूँ खिचड़ी के दिन, वैसे मुझे मीठा बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। तो मम्मी पापा यहाँ खा रहे हैं, भाभी रेडी हो रही हैं, और ये छोटे वाले भैया हैं ये भी खा रहे हैं, और हम भी खा रहे हैं। तो आप लोग भी जल्दी जल्दी आ जाइए और इन्जॉय करिए हमारे साथ चूड़ा दूध खाती हैं आज के दिन। अरे बोल यार, हैप्पी मकर संक्रांति। और यहाँ पे मेरे दोनों सेर रेडी हो चुके हैं, हमारी प्यारी लड्डू रेडी हो चुकी है, किट्टू रेडी हो चुकी हैं। तो ठंडी बहुत ज़्यादा था इसलिए मैंने हल्का हल्का सा नहीं पहनाया, अंदर इनर वगैरह डाल के ही पहनाया है, तो इसे थोड़ा अजीब लग रहा होगा आप लोग को, बट ठंडी है इतना चलता है। बनाने जा रहे हैं रोशन की क्लास के सर टहरी, और देखिए कैसे ही बनाते हैं, इनका कुछ अलग अंदाज होगा टहरी बनाने का, आप लोग देखते रहिए। तो पहले भगोने में ये तेल डाल के जीरा डाल रहे हैं उसको, और जब यहाँ पे हमारा जीरा क्रैक हो जाता है उसके बाद डालते हैं तेज़पत्ता और बड़ी इलायची, तो सूखे मसाले भी डाल सकते हैं आप और अगर ऐड करना चाहें तो। यहाँ पे लहसुन प्याज और जो मिर्च अदरक का पेस्ट होता है वो डाला जाता है, इसमें सूखे मसाले कुछ सब्जी मसाला और गरम मसाला ऐड कर लिए हुए थे पहले से ही, और हल्दी। तो इतना प्रोसेस तो सबको ही आता है। और उसके बाद जो भी सब्जियां हैं उसे कट करके रख ली गई हैं, यहाँ पे गोभी आलू और मटर है, और यहाँ पे चावल धुल के भी रख लिया गया है, चावल नया है, नया चावल जो होता है उसका बहुत मीठा मीठा खिचड़ी लगता है, उसमें थोड़ी सी उड़द की दाल भी मिला ली गई है। और पहले मसाले रेडी हो चुके हैं, तेल छोड़ दिए हैं, उसके बाद सब्जियाँ भुनी जाएंगी। सब इसको जितना ज़्यादा भुनेंगे उतना ज़्यादा यमी बनता है ये,
और उसी बीच में मुझे मिल गया तिल का लड्डू, मम्मी ने दिया, ये मैं खा रही हूँ, ये मेरा कैमरा जो है कैप्चर नहीं कर पा रहा अच्छे से। तिल का लड्डू बहुत यम्मी लगता है और हेल्दी भी होता है स्वास्थ्य के लिए। तो उसके बाद यहाँ पर चावल और सब्जियों को अच्छे से भुना जाएगा और पानी डाल दिया जाएगा उसमें, और उसके बाद ये देखिए रेडी होने के बाद हमारी खिचड़ी ऐसी लग रही है। उसके बाद यहाँ पे हमने धनिया पत्ता डाल दिया है, ये रेडी हो चुकी है खाने के लिए। आप लोग भी जल्दी से आ जाइए जैसे ये सब आ रहे हैं खाने। और यहाँ पे देखिए रेडी होते ही सब लोग बैठ गए खाने। यहाँ पे मैं खा रही हूँ और मेरी पूरी फैमिली यहाँ पे बैठी हुई है, मम्मी पापा भैया लोग और किट्टू हैं, और लड्डू तो अभी नहीं खाती है, छोटी है वो, और भाभी हैं। तो हम लोग इंजॉय कर रहे हैं, खिचड़ी बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनी थी। तो हम लोग खा पी के आ गए हैं छत पे, क्योंकि छत पे इसमें बहुत अच्छी धूप आ गई है और हवा भी थोड़ा कम है तो सही लग रहा है। और 3-4 दिन बाद ये धूप निकला है और मम्मी लोग खाना खा ही रही हैं अभी, तो मैं चली आई खा के। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इतना ज़्यादा फ्लावर लगा हुआ है। मम्मी को मेरे जो है कि पौधों का बहुत शौक है, मतलब वो फ्लावर वगैरह लगाती हैं। तो यहाँ पे कुछ कुछ सब्जियाँ भी लगी हैं, जैसे ये ब्रोकली है और वहाँ पे टमाटर का लगा हुआ है, मिर्च का लगा हुआ है, तो काफ़ी छोटे छोटे सब्जियाँ। मम्मी धनिया भी उगाई हुई हैं, तो मम्मी को अच्छा लगता है ये सब करना, तो बस की हुई हैं। कुछ फ्लावर भी लगे हुए हैं, बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह आके देखते हैं तो। और बस अभी कुछ देर बाद सब लोग ऊपर आएंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ सब लोग क्या करते हैं उसके बाद। और यहाँ पे देखिए लड्डू और किट्टू दोनों लोग आ गए हैं। इन लोगों को पतंगबाजी करना था, मतलब आता नहीं है बट हाँ थोड़ा बहुत शौक इन लोग को है कि हाँ उड़ेगा, चाचू उड़ाएंगे या मामू उड़ाएंगे तो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए किट्टू थोड़ा बहुत उड़ा रही हैं, और उसके बाद यहाँ पे लड्डू भी तैयारी में है। उसके बाद भैया उड़ाने लगे क्योंकि किट्टू से संभल नहीं रहा था, तो भैया एक पतंग को कट किए, आप लोग देख सकते हैं वो कट हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने भी थोड़ा सा उड़ाया, क्योंकि यार खिचड़ी है, खिचड़ी के दिन बिल्कुल उड़ाना चाहिए, शुभ करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लड्डू के साथ इंजॉय कर रही हूँ, लड्डू को मेरे गोद में आके उसको देखना था, जब मैं ऐसे उड़ाती थी तो वो देख के बहुत खुश होती थी। और देखिए शाम हो चुकी है, हमारे दामाद जी भी आ गए हैं, मतलब मम्मी के दामाद, तो इनको आज ही आना था, तो बस ये आ गए हैं। और यहाँ पे देखिए इनके स्वागत की तैयारी हो रही है, क्या आया इनके स्वागत में ये भी आप लोग देख ली। तो देख सकते हैं इनके स्वागत में आया है पानी पूरी। पानी पूरी खाने का सबका बहुत मन हो रहा था, तो ये हुआ कि आ जाते हैं फिर मंगाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे सब लोग बैठ के पानी पूरी इंजॉय कर रहे हैं, आप लोग देख ही सकते हैं। और ये गांव की तरफ से पानी पूरी भैया लेके आए थे, और गांव की तरफ का जो पानी बनता है पानी पूरी का, वो बहुत यम्मी बनता है। और उसके बाद आज रात के डिनर में बना था आलू मटर की सूखी सब्जी और पूरियाँ, तो वो हम लोग खा रहे हैं। उसके बाद मिलते हैं मॉर्निंग में आपसे। तो सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे शादी के एल्बम देखे जा रहे हैं, मतलब छोटे वाले भैया की शादी हुई थी मई में, अगर आप लोग पिछला ब्लॉग मेरा देखते रहे होंगे तो आप लोग को पता रहा होगा, तो उन्हीं की शादी का फोटोज़ वगैरह आया हुआ था, तो वही सब देख रहे हैं किट्टू के पापा। और हम लोग ने भी देखा, इसकी कैसेट भी देखे, कुछ वीडियो फोटो मैं शेयर करूँगी किसी और ब्लॉग में, आपको दिखाऊँगी भैया की शादी का फोटो, और वही सब देख रहे हैं। मेरा मकर संक्रांति ब्लॉग कैसा लगा, और आप लोगों को अगर ये ब्लॉग थोड़ा सा पसंद आ गया हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अब मैं मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक अंजलि सिंह को दीजिए बाय बाय, टेक केयर।